हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से देखने को मिलेगी, और ये अपडेट जो है तमाम अनएम्प्लॉयड यूथ जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और उन तमाम यूथ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो कि रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं एसओ 192 के अंतर्गत। बात की जाए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की, एक बड़ा डिसीजन जो है वो आज जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा ले लिया गया है। एसओ 192 को जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है, और तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है फिलहाल इक्वलिटी के माध्यम से रखा गया है। अगर बात की जाए एसओ 192 की, तो पूरा क्लियर कट जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि एसओ 192 में कौन कौन सी अपडेशन जो है की गई थी, और एसओ 202 जो है वो कैसे जो है एसओ 192 का सक्सेसर रहेगा। बात की जाए जम्मू कश्मीर स्टेट की, तो जम्मू कश्मीर स्टेट ने SRO 202 जो है 2015 में लाया था, जिसके बाद जो है जितने भी अपॉइंटेड कैंडिडेट्स होते थे गवर्नमेंट जॉब्स में, जो कि कुछ गेस्टेड पोस्ट भी इंक्लूड होती थी, मैक्सिमम जो है सभी तमाम नॉन गेस्टेड पोस्ट जो थी उन पे SRO 202 लाया गया था। उस पर 5 साल के लिए कैंडिडेट्स को जो है प्रोबेशन पीरियड रखा गया था, जिसपे 5 साल तक कैंडिडेट जो है अपनी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। 5 साल तक कैंडिडेट को जो है मिनिमम वेजेस दिए जाएंगे, यानी मिनिमम सैलरी जो है कैंडिडेट को दी जाएगी, जो कि उसकी सिर्फ बेसिक होती थी, और साथ ही में उसका मेडिकल अलाउंस होता था, और कोई भी इंक्रीमेंट जो है फिलहाल SRO 202 में जो है नहीं दी जाती थी। उसी के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट द्वारा डिसीजन लिया गया, और अमेंडमेंट के माध्यम से एसओ 192 को जो है लाया गया, जिसमें 5 साल के प्रोबेशन को घटाकर 2 साल का प्रोबेशन जो है वो रख दिया गया था। 2 साल के प्रोबेशन के बाद जो है उन तमाम कैंडिडेट्स जो थे उनको बेनिफिट जो है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह जो है गवर्नमेंट ने देने का जो है उस पर डिसीजन लिया था, जिसपे HRA DA जैसे और भी अन्य अलाउंसेस जो हैं वो उन तमाम कैंडिडेट्स को दिए गए थे जो कि अपने SRO 202 का प्रोबेशन जो है 2 साल का वो ख़त्म कर चुके थे। आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए एसओ 192 को स्क्रैप कर दिया है, और तमाम जो है न्यूज़ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा जो है एक मीटिंग जो है हुई है, जिसमें चेयरमैनशिप जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मनोज सिन्हा जी द्वारा जो है हुई है, और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा इस कमेटी ने जो है अप्रूव किया है कि जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर जो कि कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन रूल्स 2020 है, यानी एसओ 192 ऑफ 2020 है, उसको जो है फिलहाल स्क्रैप कर दिया गया है, जिसका सक्सेसर जो है वो SRO 202 ऑफ 2015 रहा था। तो और ये इफेक्ट जो है 1 अगस्त 2022 से रहेगा। अब क्लियर कट बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके बावजूद जो है फिलहाल अभी जब तक मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बहुत से मैसेजेस जो हैं इंस्टाग्राम अकाउंट में और टेलीग्राम में भी देखने को मिले थे कि सर 1 अगस्त 2022 से इफेक्ट होगा तो क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस कैंडिडेट का प्रोबेशन इस वक्त चल भी रहा होगा, 1 अगस्त 2022 से उस कैंडिडेट को जो है फुल जो है अलाउंसेस दे दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप जो है अभी प्रोबेशन में वर्क कर रहे हैं तो 1 अगस्त 2022 से आपकी सैलरी जो है वो आपकी फुल जो आपकी बेसिक होगी, और अन्य अलाउंसेस जो हैं आपके साथ जुड़ जाएंगे, और आपकी ट्रांसफरेबल पॉलिसी जो है वो फिलहाल इनेबल हो जाएगी, जो कि 5 साल के लिए पहले आप नहीं ट्रांसफर अप्लाई कर सकते थे। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे राजीव राय भटनागर एडवाइजर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर, एंड नितिश्वर कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, इन्होंने जो है मीटिंग अटेंड करी है, और मीटिंग की चेयरमैनशिप जो है वो ऑनरेबल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा की गई थी। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा इस मीटिंग में जो है डिसीजन लिया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि अपॉइंटेड हुए हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एसओ 192 के अंतर्गत, उन तमाम कैंडिडेट्स को जो है फिलहाल जो है इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया है, और तमाम कैंडिडेट्स को जो है फुल अलाउंसेस के साथ उनकी सर्विसेज जो हैं अब ली जाएंगी, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ग्रीवेंसेज फ्रॉम न्यूली अपॉइंटेड एंड इन सर्विस कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द हायर पोस्ट बट आर नॉट गिवन पे प्रोटेक्शन विल ऑल्सो बी एलिवेटेड। तो जितने भी तमाम कैंडिडेट्स थे जो कि एम्प्लॉयज़ थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, जो कि सेलेक्टेड थे और इन सर्विस थे और वो अप्लाई करना चाहते थे बड़ी पोस्ट के लिए, और उनको जो है एसओ 192 के जो है अंतर्गत 2 साल का प्रोबेशन काटना था, उन तमाम जो है अब प्रोबेशन की ग्रीवेंसेज जो हैं वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार को जो है मिली थी टाइम टू टाइम, जिसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे फिलहाल अब जो है उनको किसी भी तरह का प्रोबेशन जो है नहीं काटना होगा, क्योंकि एसओ 192 को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा स्क्रैप कर दिया गया है। तो पूरी की पूरी अपडेट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी डेली एक्सेंशियल से, जो है मैं आपके साथ इस सोर्स से जो है इस न्यूज़ को शेयर कर रहा हूँ। हालांकि ट्विटर हैंडल पर भी जो है आपको कुछ देखने को मिल जाएंगी, जो कि
पिक्स जो है वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया में। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई क्यूरी रहती है किसी भी कैंडिडेट्स को या फिर मेरे इस व्यूअर्स को, तो वो है डायरेक्टली मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट में फॉलो करके मैसेज करके हर एक क्यूरी का रिस्पॉन्स टाइमली ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।